तो उसे नैना मिले कि बुआ जी कहती हैं देव नारायण से कि कुछ कर बुला भानु को, नहीं मुझे कुछ हो जाएगा, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, ये तुम दोनों अलग हो। तो वह फोन लगाते हैं भानु को, और जैसे ही फोन लगाते हैं फोन आता है तो भानु चाचा रोने लगते हैं। बात करते करते फोन पर बुआ जी बात करती हैं और कहते हैं कि तू ऐसा मत कर, हम तेरे बिना नहीं रह पाएंगे, ये घर टूट रहा है, आजा। लेकिन सिद्धेश्वरी छुड़ा लेती है फोन और भला बुरा कहकर बोलती है कि तुम उनकी बातों में मत आना। वहां वह उसे भड़का देती है, यहाँ गोद में सो जाता है बुआ जी के। देवनारायण बहुत परेशान है। इधर पर जब अवधेश आता है राजीव के सामने तो कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया चाचा जी के साथ, माफी मांगो। राजीव कहता है माफी उन्हें मांगनी चाहिए जो कुहू के साथ उनने इतना बुरा किया है। अवधेश गालर पकड़ लेता है क्योंकि वह उसकी माँ को कहता है कि तुम्हारी माँ ने मिलकर ये सब किया है। तब सारे घर के लोग आ जाते हैं, कुहू भी आ जाती है। तो राजीव कहता है मेरे तुम लोगों से कोई नाते नहीं है, मैं सारे नाते तुम लोगों से तोड़ता हूँ, किसी लायक नहीं हो तुम लोग, और कुहू तुम इन्हें मत बचाओ, ये लोग इतने बुरे हैं। संजीव भी आ जाता है और वह राजीव का साथ देता है। कुहू कहती है कि बुआ जी मैं जा रही हूँ, सब ठीक कर दूंगी। उसे ले जाता है संजीव और कुहू छत पर लाती है और कहती है ये लीजिए लस्सी मेरी तरफ से और मैंने बनाई है। वह बोलती है चांद को देखते देखते हम लस्सी पियेंगे। जैसे ही वह लस्सी पीता है तो कहती है कितनी अच्छी चीज़ है यह, आप सब कुछ ठीक कर दीजिए। और वह एल्बम लिए होती है, कहती है देखिए आपके छोटे की तस्वीर है, आप एकदम खड़ूस हैं और कैसे गुस्सा करते हैं जल्लाद जैसे। यहाँ से अवधेश देखता है, कहता है क्यों झेल रही है यह हमेशा इतनी गलतियों के बाद। कुहू कहती है देखिए आपकी बचपन की फोटो, कितने खुश हैं आप और यहाँ सबको परेशान कर रहे हैं। और भानु चाचा ने देखो आपको चलना सिखाया था, जिन्हें चलना सिखाया है आप उनके साथ ऐसा कर सकते हैं क्या? आप खुशबू मासी के गोद में खेले हैं, आप उन्हें क्यों चिल्लाते हैं? धीरे धीरे उसे इमोशनल करके वह बता रही है कि आप सब गलत कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजीव कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, मुझे सिखाती हो।